नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। आज की सबसे पहली खबर, पटना में डेंगू का कहर, 24 घंटे में 17 लोग आए चपेट में, अब तक 242 लोग डेंगू से हो चुके हैं पीड़ित। जी हां, बिहार में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पटना में पिछले 24 घंटों में 17 लोगों में डेंगू पाया गया है। प्रदेश में अब तक इसकी चपेट में आने वालों की संख्या 348 तक पहुंच गई है, जबकि पटना में 242 लोग अब तक डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। डेंगू के संक्रमण का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को पटना में 225 लोगों में संक्रमण था, जो 24 घंटे में ही बुधवार को 242 तक पहुंच गया। नहाए खाए के साथ महापर्व छठ शुरू, राज्यपाल और सीएम ने दी शुभकामनाएं, कोरोना को लेकर सजग रहने की दी सलाह। लोक आस्था के महापर्व छठ की कल से नहाए खाए के साथ शुरुआत हो गई है। 4 दिवसीय इस महापर्व को लेकर राज्यपाल फागू चौहान और सीएम नीतीश कुमार ने बधाई दी है। लोगों को शुभकामनाएं देते हुए नीतीश कुमार ने ट्विटर पर लिखा कि लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति का सचेत रहना नितांत आवश्यक है। अगली बड़ी खबर, पटना की हवा खतरनाक हुई, यहां से अच्छी स्थिति में दिल्ली, मुंबई और कारखानों के शहर कानपुर का AQI। जी हां, पटना शहर की हवा देश के कई प्रदूषित शहरों से ज्यादा खराब हो गई है। यहां बीमार लोगों के साथ सामान्य लोगों की सेहत के लिए भी खतरा है। दिवाली के दिन से एयर क्वालिटी इंडेक्स अधिक खराब हुआ है, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ से भी नीचे है। पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 251 है। दिवाली से लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। 14 नवंबर को पटना का AQI 215 था, जो 17 नवंबर को 251 तक पहुंच गया। जिस तरह से AQI बढ़ रहा है, उससे लग रहा है कि आगे कई शहरों से खराब स्थिति पटना की होगी। उत्तर प्रदेश के कारखानों के वाले शहर कानपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 है। साथ ही आपको बता दें कि में प्रदूषण का स्तर बढ़ना ठीक नहीं माना जाता है। कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ कोरोना का संक्रमण भी बढ़ा है। लोक आस्था के महापर्व छठ पर महंगाई की मार, पूजन सामग्री सहित कई सामान के दोगुने दाम। जी हां, लोक आस्था का महापर्व छठ बुधवार से शुरू हो गया है। 4 दिन के इस महापर्व पर कोरोना संक्रमण का असर दिख रहा है। फल, बांस और मिट्टी के चूल्हा से बाजार सज चुके हैं, लेकिन हर चीज के दाम पर महंगाई छाई हुई है। पिछले साल की तुलना में कई चीजों के दाम दोगुने हो गए हैं। ऐसे में छठ व्रत के लिए पूजा सामग्री खरीदना काफी कठिन हो रहा है। कोरोना के कारण पिछले 7 महीनों से लोगों की आमदनी घटी है, ऐसे में छठ व्रती पूजा सामग्री खरीदने में कटौती करने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर हम आपको कुछ फलों की कीमत के बारे में बताते हैं। जी हां, केला पिछले साल 40 से 50 रुपए दर्जन थे, इस साल 60 से 70 रुपए दर्जन बिक रहे हैं। वहीं नारियल 25 से 30 रुपए प्रति पीस पिछले साल था, और इस साल 60 से 40 रुपए प्रति पीस बेचा जा रहा है। पटना में छठ के लिए 107 घाट हुए तैयार, लोगों को जाना होगा पैदल। जी हां, पटना में छठ के लिए इस बार कुल 107 घाट बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रशासन ने पहले 90 घाटों पर ही छठ कराने की तैयारी की थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 107 हो गई है। इन घाटों पर छठ करने के लिए लोगों को पैदल ही जाना होगा। साइकिल से लेकर 3 पहिया और 4 पहिया वाहन पर रोक लगाई गई है। घाटों पर शौचालय, चेंजिंग रूम आदि बनकर तैयार हो गए हैं। ऐसे घाट जहां कम भीड़ होने की उम्मीद है, उनमें दीघा, LCT, कलेक्टर, कालीघाट और NIT आदि प्रमुख है। साथ ही आपको बता दें कि घाट पर आपको पीने की पानी की व्यवस्था, शौचालय, चेंजिंग रूम, वॉच टावर, कंट्रोल रूम, चिकित्सा शिविर, एम्बुलेंस आदि की सुविधा दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, आज ही निपटा लीजिए अपना काम। जी हां, छठ महापर्व को लेकर बैंकों में 2 दिनों तक अवकाश रहेगा, लेकिन रविवार का दिन होने के कारण 3 दिनों तक लगातार बैंक बंद रहेंगे। 20 और 21 नवंबर को बैंकों में छठ का अवकाश घोषित किया गया है, जबकि 22 नवंबर को रविवार का दिन है। लिहाजा 20 से लेकर 23 नवंबर तक बैंक बंद रहेंगे। अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई भी काम करना है तो उसे आप आज ही निपटा लें।
बीपीएससी ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तिथि जारी की। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की 90 वैकेंसी के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 17 और 18 दिसंबर को आयोजित होगी। अभ्यर्थी पूरा शेड्यूल bpsc.bihar.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। 17 दिसंबर को 2 शिफ्ट में और 18 दिसंबर को 1 शिफ्ट में परीक्षा होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में नामांकन की तारीख अब 30 तक। जी हां, इग्नू ने जुलाई 2020 के सत्र में नए नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर सारा नसीरन ने बताया कि अब अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाई गई है। पहले नामांकन की तारीख 15 नवंबर तक ही तय की गई थी, लेकिन बाद में यह तारीख बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी 30 नवंबर तक सर्टिफिकेट कोर्स के साथ सेमेस्टर आधारित सभी कोर्स छोड़कर अन्य सभी एकेडमिक कोर्स में अपना दाखिला करवा सकते हैं। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला के लिए मेरिट लिस्ट जारी। जाने एडमिशन सहित अन्य महत्वपूर्ण तिथि व प्रक्रिया। राज्य के 85% मेडिकल सीटों पर एडमिशन के लिए काउंसलिंग तिथि जारी कर दी गई है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य के मेडिकल कॉलेज के 85% सीटों पर एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट और सीट मैट्रिक्स मंगलवार देर रात जारी कर दिया है। आइए जानते हैं सभी इंपोर्टेंट तिथि। तो सबसे पहले च्वाइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 19 से 24 नवंबर तक है। फर्स्ट राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट 27 नवंबर को होगा। फर्स्ट राउंड के तहत एडमिशन 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगा। वहीं सेकेंड राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट 4 दिसंबर को और सेकेंड राउंड के तहत एडमिशन 5 से 7 दिसंबर तक होगा। चलिए अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 734 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 228,680 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 6,275 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 285 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, पिछले 24 घंटों में कोरोना से 5 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,194 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटों के भीतर 749 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। बिहार में फिर एक बार जमेगा सीएम नीतीश का जनता दरबार। लोगों से सीधे फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के जीत के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद सभी मंत्रियों को मंत्रालय भी सौंप दिया गया है। ऐसे में नीतीश कुमार फिर एक बार जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। एक बार फिर सीएम आवास में जनता दरबार जमेगा, जिसमें मुख्यमंत्री जनता से डायरेक्ट फीडबैक लेंगे। बता दें कि 2005 में सत्ता में आने के बाद जनता की परेशानियों और समस्याओं को सुनने के लिए नीतीश कुमार ने जनता के दरबार में मुख्यमंत्री नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में बड़ी संख्या में हर सोमवार को बिहार के हर जिले से लोग आते थे और लिखित आवेदन देते थे। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री के साथ मंत्री और सचिव दोनों रहते थे, जिसको लेकर एक बार फिर जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत करने की योजना पर काम किया जा रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री को राष्ट्रगान भी याद नहीं, मेवालाल चौधरी का एक और वीडियो वायरल। जी हां, बड़े घोटाले के आरोपी बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का एक और कारनामा सामने आया है। बिहार के शिक्षा मंत्री को राष्ट्रगान भी याद नहीं है, इसका वीडियो वायरल हो चुका है। वायरल हुए वीडियो में मेवालाल चौधरी एक गाँव में झंडोत्तोलन के बाद राष्ट्रगान गाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उन्हें जनगण मन सही से याद नहीं है। वीडियो तब का है जब मेवालाल चौधरी विधायक थे। राजद ने इस वीडियो को लेकर फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। राजद के ट्विटर हैंडल से इस वीडियो का ट्वीट करके कहा गया है कि भ्रष्टाचार के अनेक मामलों के आरोपी बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को राष्ट्रगान भी नहीं आता है। नीतीश कुमार जी, शर्म बची है क्या, अंतर आत्मा कहां डुबा दी।
जनता की अदालत के बाद अब अदालत का रुख। आरजेडी ने कम अंतर से हारे उम्मीदवारों को कोर्ट जाने को कहा। जी हां, बिहार चुनाव में सत्ता की कुर्सी से दूर रह चुके आरजेडी को अब जनता की अदालत के बाद अदालत पर भरोसा है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उन उम्मीदवारों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है जिनकी हार बेहद कम अंतर से हुई है। तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि उनकी पार्टी कम अंतर से हार वाली सीटों के मामले को लेकर अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेगी। आरजेडी ने ऐसे 15 सीटों की पहचान की है जिनके परिणाम को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। 15 दिनों में चालू होगा एम्स दीघा एलिवेटेड रोड। जनवरी में आर ब्लॉक दीघा सड़क का उद्घाटन मंगल पांडे ने किया ऐलान। बिहार के नए पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने कल अपना कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने दो बड़े ऐलान कर दिए हैं। मंगल पांडे ने एम्स दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर को अगले एक पखवाड़े में चालू करने का ऐलान किया है। वहीं आर ब्लॉक से लेकर दीघा तक बन रहे 6 लेन रोड को 2 महीने के भीतर पूरा कर लेने की घोषणा की है। आपको बता दें कि बिहार के नई सरकार में मंगल पांडे को स्वास्थ्य के साथ साथ पथ निर्माण विभाग के मंत्री की भी जिम्मेदारी दी गई है। और अंत की बड़ी खबर, आरजेडी ने पूर्व सांसद सीताराम यादव समेत कई नेताओं को पार्टी से निकाला, अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ काम करने का आरोप। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी और उम्मीदवारों के खिलाफ काम करने वाले कई नेताओं पर आरजेडी ने कार्रवाई की है। पार्टी के विरोध में काम करने के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। इसमें पूर्व सांसद सीताराम यादव, राजद जिला अध्यक्ष मोहम्मद अस्पाक अहमद उर्फ चांद को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब